प्रदेश सरकार युवाओं को राज्य में आगामी समय में स्थापित होने वाले ऊर्जा क्षेत्र, उद्योगों व पर्यटन परियोजनाओं में 80% रोजगार के अवसर सुनिश्चित करवाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पर्यटन, ऊर्जा व उद्योगों में निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विद्युत की अपार क्षमता है और यदि इन सबका दोहन हो तो प्रदेश की आर्थिकी में भारी बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी एक वर्ष के भीतर प्रदेश में 594 मेगावाट क्षमता की 5 जल विद्युत परियोजनाओं का काम पूरा होने वाला है, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गैर परंपरागत ऊर्जा के दोहन पर भी बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हिम ऊर्जा आगामी एक वर्ष के दौरान 34.20 मेगावाट की कुल क्षमता की 19 लघु और छोटी परियोजनाओं का काम पूरा कर लेगी। उन्होंने उद्योग विभाग के निवेश लक्ष्यों को पूरा करने की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश का प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, औद्योगिक शांति, कुशल श्रम शक्ति और निर्बाध विद्युत आपूर्ति निवेशकों को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए मौजूदा उद्योगों पर विद्युत शुल्क को लघु उद्योगों के लिए 4% से 2% तक तथा मध्यम उद्योगों के लिए 10% से 7% तक कम किया गया है। कि उसमें हमारी तैयारियां, हमने विभाग के साथ पहले भी सारे मामले को लेकर बात की है। हमारे सभी विभाग जो है इससे संबंधित, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ में हमारा दूसरा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली दो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ विषय रहता है, सभी डेप्टी कमिश्नर्स को इस संदर्भ में अलर्ट कर दिया गया है कि तैयारियाँ रखें, रास्ते अवरुद्ध ना हों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नज़दीक नज़र रखें, टूरिस्ट आने जाने में बाधा उसको ना हो, दिक्कत ना हो, उस दृष्टि से अगर रोड ब्लॉक होता तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें। अगर कहीं लगता है कि कहीं लैंडस्लाइड आने की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस रोड का, उस एरिया को मॉनिटर किया जाए ताकि कोई इस प्रकार की घटना, दुर्घटना वहाँ पर घटित ना हो। इस तरह की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है सभी अधिकारियों को दे दी गई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश के मौसम में स्वाभाविक रूप से नुकसान तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के स्तर पर तैयारियां पूर्ण हैं और जो भी उसमें मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।